मॉर्निंग फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे जिस खूबसूरत प्लांट को मिलवा रही हूँ उसका नाम है गल्फीमिया ग्रेसिलिस, या गोल्ड शावर प्लांट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसमें जो येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं वो बिल्कुल इतने खूबसूरत लगते हैं जैसे एक शावर हो गई हो गोल्ड की, बिखरे हुए होते हैं चारों तरफ और बहुत बुरी तरह से फ्लावरिंग होती है इसमें, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है। देखिए कितनी सारी इसमें बर्ड्स आ रही हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। और इस प्लांट की ख़ास बात है कि ये पूरे साल फ्लावरिंग करता ही रहता है, बीच बीच में फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है बट फिर से इसमें दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है जल्दी ही। तो ये बार बार फ्लावरिंग करने की वजह से भी ये प्लांट लोग अपने यहाँ लगाना शुरू करते हैं। इस प्लांट की हाइट अगर हम गमले में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, एक बुश के रूप में ये बढ़ता है, काफ़ी बुशी हो रहा है मेरा भी प्लांट। और इसकी अगर कटिंग और प्रूनिंग हम अच्छे से करते रहें तो ये और भी बुशी होता जाता है। अभी तक मैंने तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रूनिंग नहीं की है बट जब फ्लावरिंग इसमें एक बार होने के बाद ये फ्लावर जब ख़त्म होने लगते हैं तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर देती हूँ बस प्रूनिंग के नाम पे। अभी तक तो मैंने इसको इतना ही काम किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। पर मैं सोच रही हूँ अब इस फ्लावरिंग के बाद ये जो हो रही है इसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी हैवी प्रूनिंग कर दूँगी। और इस प्लांट को रखने के लिए फुल सन की नीड होती है, तो मैं टेरेस पे जब प्लांट्स रखती हूँ तो मुझे हमेशा एक सर्च ही रहती है कि टेरेस पे कौन से प्लांट्स चलेंगे जो कि फुल सन में चल जाएं, क्योंकि मेरे टेरेस पे कोई शेड वगैरह नहीं है तो मुझे फुल सन वाले प्लांट्स की ही नीड होती है, जो थोड़े हार्डी भी हों, जो सह जाएं धूप पूरे दिन की, और एक दो दिन अगर मैं पानी भूल जाऊं तो भी उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो। तो ये प्लांट भी उसमें ही आता है मेरा, और एक अच्छा प्लांट है जो कि फुल सन की नीड है और फ्लावर्स भी देता है और अपने खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो उसको रखने से हमारा गार्डन हमेशा एक खूबसूरत एहसास दिलाता रहता है। येलो रंग वैसे भी बहुत सुंदर लगता है, येलो कलर के फ्लावर जब खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है गार्डन। तो ये प्लांट भी मुझे बहुत पसंद है और मेरे पसंदीदा प्लांट्स में से एक है। और जैसे कि इसका नाम गोल्ड शावर है तो अपने नाम के साथ बिल्कुल ये एक न्याय करता है, ये वैसा ही है। और इसके फ्लावर्स जो हैं बिल्कुल गोल्ड की तरह ही लगते हैं। और इसमें जहाँ तक मैन्योरिंग की बात है तो मैं साल में शायद एक बार ही मैंने इसमें काउरंग मैन्योर का इस्तेमाल किया होगा, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। बट इसको लगाने के लिए थोड़ा सा फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि शुरू से ही एक बड़ा गमला दें, क्योंकि ये बुशी होता है प्लांट तभी सुंदर लगता है और तभी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो एक थोड़ा बड़ा गमला ही इसे देना है और बार बार की रिपोर्टिंग से थोड़ा बचना है। बार बार रिपोर्ट करने से प्लांट्स काफ़ी दिनों के लिए शॉक में चले जाते हैं और जितने दिन उसको सर्वाइव करने में लगते हैं तो उनका फ्लावरिंग का टाइम भी कम हो जाता है। और फिर से उसको बार बार रिपोर्ट करने से उसमें काफ़ी सारी और जो परेशानियां होती हैं पहले वो फेस करता है वो। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ा सा बड़ा पॉट पहले ही दें जिससे कि बहुत जल्दी इसको रिपोर्ट ना करना पड़े। और इसकी कटिंग और प्रूनिंग थोड़ी थोड़ी सी करते रहनी है जिससे कि प्लांट बुशी बना रहे, और जितना ये बुशी होगा उतना ही वो फ्लावरिंग करता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और जहाँ तक पानी की रिक्वायरमेंट है तो सन में रहने वाला प्लांट है तो पानी की रिक्वायरमेंट इसको होती ही है। तो मैं डेली वाटरिंग तो समर्स में ही करती हूँ और विंटर्स में एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के इसमें पानी डाला जाता है। और बाकी पानी की रिक्वायरमेंट तो आप अपने एरिया के हिसाब से भी तय कर सकते हैं, आपके एरिया में कितनी गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ती है तो भी आप उसके अकॉर्डिंगली तय कर सकते हैं कि किस तरह से हमको पानी डालना है। नीड्स पानी की आपके एरिया के हिसाब से, आपके एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से ही हमको तय करनी चाहिए। तो बस इतना ही है। और एक वेल्ड्रेन सॉइल का चुनाव तो हमको हमेशा ही करना है, वेल्ड्रेन सॉइल बना के रखनी है। तो मैंने अभी एक वेल्ड्रेन सॉइल ही इसमें इसके लिए बनाई है। तो मॉइस्चर पसंद है इस प्लांट को, तो मैंने इसमें कोको पीट का यूज़ किया है,
कोकोपीट कंपोस्ट जो गार्डन सॉइल जो यहाँ की रेड सॉइल है उसमें ही मैंने इस प्लांट को लगाया है और बहुत अच्छे से चल रहा है और फ्लावरिंग भी कर ही रहा है। बार बार साल में कई बार इसमें बार बार फ्लावर्स आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि हमेशा अपने फ्लावर से भरा हुआ रहता है और पत्तियां भी इसकी बहुत सुंदर ग्रीन लीफ होती हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। फ्लावर्स के साथ तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको भी लगाइए फ्रेंड्स और कान्हा गार्डन को देखते रहिए। कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।